हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी स्वीट मठरी, जो कि सूजी और गेहूं के आटे से बनती है। बहुत ही टेस्टी और कम तेल सोखने वाली रेसिपी है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा कुछ मीठा खाने का मन करता है, या फिर जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली या फिर करवा चौथ या कोई भी फेस्टिवल पर हम लोग ये सब कुछ स्नैक्स बनाते हैं जो कि कई दिनों तक, महीनों तक स्टोर करके खाए जा सके। इसे बनाने के लिए करीब 1 कप के लगभग मैंने दूध लिया है। इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, पिसी हुई चीनी 1/2 कप और इलायची पाउडर भी है इसी में। अब इसे हम मिक्स करेंगे, उन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, 3 चम्मच के लगभग सूजी, 2 तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट डो तैयार करना है क्योंकि सूजी है, बाद में थोड़ा और भी सूखेगा तो वो थोड़ा सूखा ड्राई हो जाएगा। हम लास्ट में इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, इससे थोड़ा क्रंची और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हमारा अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार है। इसे हम रख देंगे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। अब इसमें से हम इसे अच्छे से एक रोल तैयार कर लेंगे। इसे बेलना है और अच्छा से इसका एक रोल तैयार करना है, जो कि न बहुत ज़्यादा मोटा होगा ना ही बहुत पतला। देखिए ये इतना मोटा रहेगा। आप चाहे तो इसमें सेसमे सीड भी डाल सकते हैं, इससे और भी क्रिस्पी बनता है ये। मैं डालना भूल गई, मेरे पास था लेकिन मैं डाल नहीं पाई। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। आप चाहे तो अपनी मर्जी से गोल या चौकोर कैसा भी काट सकते हैं। ये तो देखिए इसे हमने अच्छा शेप दे दिया है, काट लिया है। और अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और एकदम सिम माच पे से, देखिए हमारा तेल अभी हल्का ही गरम है, सिम माच पे से अच्छे से लगातार चलाते हुए फ्राई करना है ताकि ये इवनली हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। इसी वजह से वो अच्छा से खस्ता बनता है। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता बना था। और तेल भी बहुत कम सूखा था। ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है जिससे कि आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं या फिर रख सकते हैं बना के, जो कि बहुत दिनों तक चलता है। अब इसे हम बराबर अच्छे से चारों तरफ से पलट अलट के सेक लेंगे। ये देखिए हमारे एकदम इतना अच्छा इसका कलर आ गया है, अच्छे से ये बन चुके हैं। अभी निकालेंगे, देखिए कितना खस्ता।